प्रयागराज में एक तांगे वाले के घर पैदा हुआ अतीक बेहद कम उम्र में ही जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। रंगदारी, फिरौती, अवैध कब्जा अतीक के उद्योग धंधे बन चुके थे। सपा के संरक्षण में पल रहे माफिया अतीक के खौफ से कोई भी जज उसके केस की सुनवाई नहीं करना चाहता था। एक दो नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक के केस पर फैसला सुनाने से खुद को अलग कर लिया था। पुलिस गलती से भी कभी उसके घर के आसपास नहीं भटकती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन जरूर फूटता है। 2017 में यूपी में भाजपा की दमदार सरकार आई तो अपराध और आतंक के दम पर बनाई गई अतीक की लंका की बर्बादी योगी जी ने खुद अपने हाथों से लिखी। माफिया अतीक ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसके आतंक का साम्राज्य ऐसे भर भरा कर गिरेगा। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले माफिया अतीक के जहन में ये डर कभी नहीं पैदा हुआ होगा कि उसके काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने वाली दमदार भाजपा सरकार आएगी और उसकी संपत्ति में इतने छेद करेगी कि अतीक और उसकी गैंग ये समझ नहीं पाएगी कि घर बचाएं या दफ्तर। जहां माफिया अतीक अहमद अपनी अपराध की अदालत लगाता था और खुद को जज समझ फैसला सुनाता था, योगी जी ने उसके दफ्तर को पलक झपकते ही जमीन दोज करवा दिया। अतीक के 300 करोड़ से अधिक के काले साम्राज्य को योगी जी ने ध्वस्त करा दिया। सिलसिला अभी यहीं नहीं रुका। योगी जी ने अतीक की ध्वस्त हुई जमीन पर भूमि पूजन करके गरीबों के घर की नींव रखी। सरकार को अपनी जेब में रखकर चलने वाले अतीक के अवैध संपत्ति पर अब चुनाव आयोग का सरकारी दफ्तर बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रयागराज के मंदरी गांव में अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर स्टेडियम बनने जा रहा है। योगी जी ने तो ठान लिया है, जब तक पूरा तोड़ेंगे नहीं तब तक माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं।